शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन मेरे मन में ऐसे ही एक ख्याल आया कि क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं, पति का रिएक्शन क्या होगा और वो क्या करेगा। इसी विचार के चलते मैंने पति की परीक्षा लेने के लिए एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर मैं बोर हो गई हूँ, मुझे अब इस गृहस्थ जीवन में कोई लगाव नहीं रहा है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद को बेड के नीचे छुपा दिया। थोड़ी देर बाद जब पति ऑफिस से घर लौट कर आए, मुझे घर में नहीं देखा और उनकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उन्होंने पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर तक तो बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने उस चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे। फिर उन्होंने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगे, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ, मेरी बीवी आखिरकार, उसको ये एहसास हो गया कि वो मेरे काबिल ही नहीं है, इसलिए मैं खुद ही वो मुझे छोड़ कर चली गई और मैं खुद को आज़ाद सा महसूस कर रहा हूँ, अब मैं आज़ाद हो गया हूँ, तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलने आता हूँ, वहाँ पर आकर मुझे फटाफट मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गए। दोनों आँखों में आंसू की धारा लिए मैं बेड के नीचे से बाहर निकली। मेरे हाथ थर थर काँप रहे थे। कांपते हाथों से मैंने टेबल पर रखी उसी चिट्ठी को उठाया और पढ़ा जिसमें पति ने कुछ लिखा हुआ था। अरे पगले, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता, बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे, तुम जल्दी से गरम गरम चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेके आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है, आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी खुशी तुझे मनाने में है, आखिर लास्ट में हम दोनों ही एक साथ रहेंगे ना, कभी हम झगड़ेंगे, कभी एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, फिर कभी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, जब चश्मे गुम जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तू मुझे मना लेना, कभी तू रूठे तो मैं तुझे मना लूँगा, एक दूसरे को लाड़ लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। जब नज़र कम हो जाएगी, सुनाई भी कम देना, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरी रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों को साथ छूटेगा तो अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना, आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। दोस्तों, कहानी ख़त्म होते होते बीवी का यानी मेरा रोकर बुरा हाल हो गया। उससे पता चल गया कि वो मुझे कितना प्यार करता है और मुझे भी यह एहसास हुआ कि मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं। आप भी सच सच बताइए कि इस कहानी को सुनने के बाद में क्या आपकी आँखें भी नमी से भर आई हैं। कहानी को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।